दोस्तों नमस्कार। अगर आप अमेजोन एप्लीकेशन यूज करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि अमेजोन वॉलेट में जो भी आपका पैसा पड़ा हुआ वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लें तो ये वीडियो आप देखते रहिए, क्योंकि हाल ही फिलहाल में अमेजोन में एक नया फीचर ऐड किया गया है जिससे के जरिए आप जो है डायरेक्टली आप अपने अमेजोन वॉलेट का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए आपको टर्म एंड कंडीशन समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला टर्म एंड कंडीशन है, अमेजोन में आपका फुल केवाईसी होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, ये एंड्रॉयड यूजर ही यूज कर सकते हैं, जिसके पास iOS फोन है वो इसका उपयोग या इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपका अमेजोन में फुल केवाईसी नहीं है तो आप वीडियो केवाईसी के जरिए फुल केवाईसी कर सकते हैं। अगर आपका मिनी केवाईसी है तो ये फीचर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। उनको सबसे पहले जो है वीडियो कॉल के जरिए उनको फुल केवाईसी करना पड़ेगा, जो मिनी केवाईसी करवाए हैं तभी ये फीचर का इस्तेमाल कर पाएंगे, अमेजोन पे वॉलेट का पैसा जो है अपने बैंक अकाउंट में ले पाएंगे। दोस्तों आपको मालूम होगा, अगर आप अमेजोन से शॉपिंग करते हैं या बिजली बिल पे करते हैं या मोबाइल रिचार्ज करते हैं तो बहुत सारे आपको कैशबैक मिलता है, क्या वो पैसा भी कैशबैक वाला पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैशबैक वाला पैसा और गिफ्ट कार्ड वाला पैसा ये आप अपने वॉलेट से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। हालांकि इनका आप उपयोग कर सकते हैं शॉपिंग करने में फिर या मोबाइल रिचार्ज करने में बिजली बिल पे करने में, लेकिन इसको बैंक अकाउंट में आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, अमेजोन पे वॉलेट में जो भी पैसा पड़ा हुआ कैशबैक और गिफ्ट कार्ड वाला। अब सवाल ये आता है, कौन सा पैसा जो है अमेजोन पे वॉलेट से हम ट्रांसफ़र कर पाएंगे बैंक में? तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जैसे कि अमेजोन पे वॉलेट में आप अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से या UPI के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू अमेजोन पे वॉलेट में ऐड करते हैं पैसा, तो वही पैसा को आप अपने UPI के थ्रू अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे कि आप अपने UPI के थ्रू 2000 रुपया अमेजोन वॉलेट में आप ट्रांसफ़र कर दिए, 1500 आपने खर्च कर दिए और बच गया 500। अगर वो पैसा जो अमेजोन वॉलेट में पड़ा हुआ आपका ज़रूरी है और उसे आप निकालना चाहते हैं तो 500 रुपया सीधे आप जो है अमेजोन पे वॉलेट से UPI के माध्यम से आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। और अमेजोन वॉलेट का एक अच्छी बात यह है, अगर आप अमेजोन वॉलेट से किसी को भी पेमेंट करते हैं, नहीं आपको OTP इंटर करना पड़ेगा, नहीं UPI पिन इंटर करना पड़ेगा। तो बहुत ही ये अच्छा ऑप्शन दिया गया है अमेजोन पे वॉलेट से, और आपका जो इसमें फुल KYC होना बहुत ही ज़रूरी है ऑनलाइन घर बैठे। तो इस पर मैं एक वीडियो आपको बना के दे दूंगा इसी चैनल पे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद अमेजोन में आपका बैंक अकाउंट UPI के साथ लिंक होना चाहिए, तभी आपका जो है अमेजोन वॉलेट का ऑप्शन वर्क करेगा। तो चलिए हम लिमिट की बात कर लेते हैं। अमेजोन पे वॉलेट में जो है आप एक दिन में 10,000 रुपया ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और अमेजोन पे वॉलेट की सबसे अच्छी बात यह है, अमेजोन पे वॉलेट से किसी को भी आप ट्रांसफ़र करते हैं या ट्रांजेक्शन करते हैं तो कोई भी चार्ज आपको देना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल टोटली फ्री है अमेजोन पे वॉलेट से ट्रांजेक्शन करने में। या आप कह भी सकते हैं डेली लिमिट जो है 10,000 है, 10,000 से आप ऊपर नहीं कर सकते हैं ट्रांजेक्शन। और अमेजोन पे वॉलेट में सबसे अच्छी ये बात है, अमेजोन पे वॉलेट में आप क्रेडिट कार्ड से भी पैसे को ऐड कर सकते हैं। अमेजोन पे वॉलेट में आप किसी भी पेमेंट मेथड से आप यहाँ पे मनी को ऐड कर सकते हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, UPI के थ्रू, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये था टर्म एंड कंडीशन, अगर आप इसमें फिलफुल होते हैं तो आपको जो है ये ऑप्शन दे दिया जाएगा कि आप जो है अपना अमेजोन पे वॉलेट से बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस फीचर को इस्तेमाल करने के लिए आपका अमेजोन में फुल KYC होना बहुत ही ज़रूरी है। फुल KYC आप वीडियो कॉल के जरिए भी कर सकते हैं, हालांकि मैं इस पे एक वीडियो मैं आपको बना के दूंगा। और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी आप दबा